प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने पिछले ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको वाक्य भेद के जो अंग हैं, मतलब जो अव्यय हैं, उनके बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपको वाक्य रचना के आधार पर तीन वाक्य होते हैं, जिसमें सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये मैंने बताए। लेकिन उसमें से मैंने तीनों भेदों में से मैंने सरल वाक्य आपको पढ़ाया, उसके बारे में भली बाती बताया कि सरल वाक्य कैसे बनते हैं। आज मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ वो वाक्य भेद का अर्थ रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा भेद जो है वो है संयुक्त वाक्य, वो लेके वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बारे में बता रहा हूँ कि देख संयुक्त वाक्य होता क्या है, कि संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक, देखो बच्चों संयुक्त वाक्य के बारे में बता, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य विभिन्न योजकों की सहायता से, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य विभिन्न योजकों की सहायता से, योजक शब्दों की सहायता से अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से, ठीक है ना, इसकी सहायता से या जुड़े हुए हों के द्वारा जुड़े हुए हों, अव्यय की सहायता से जुड़े हुए हों, अर्थात दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने के लिए, दोनों को जुड़ाव करने के लिए योजक शब्द होना, योजक शब्द का होना बेहद जरूरी है, अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का होना बेहद जरूरी है, वे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जब वो जुड़ जाएंगे योजक शब्दों से तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। देखो संयुक्त वाक्य जब कहलाएंगे तो इसके लिए मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे मैंने अभी लिखा है कि देखो अब आपको विभिन्न योजक शब्द कौन से हैं अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं। वो कहने का तात्पर्य है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में तब्दील करते हैं तो हम सरल वाक्य में जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो पूर्व क्रिया होती है जो उस समय पूर्ण नहीं होती अपने आप में और वो विभाजित करती है दो पदों के लिए, अर्थात दो उपवाक्यों में विभाजित करने के लिए वाकई में वो तत्पर है, वाकई में वो काबिल है वह वाक्य, तो उसी वाक्य को वो संयुक्त वाक्य में तब्दील होगा, बदलेगा। नहीं तो हर सरल वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं बनता, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं राम पढ़ता है तो इसका संयुक्त वाक्य बनाओ नहीं बनेगा ना, ठीक है। अगर मैं यूं बोलूं राम घर जाकर पढ़ता है, ठीक है ना, राम घर जाता है और पढ़ता है, ये बन जाएगा, इसका बन जाएगा, हर सरल वाक्य का नहीं बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार हर संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि उस कभी कभी क्या होता है मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बन जाएगा और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आज मैं ये वाक्य जो है उसके इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि कहाँ पे आया, कौन सा योजक शब्द है, कौन सा योजक जो शब्द है, अव्यय कौन से हैं, वो योजक अव्यय कौन से हैं जिनके जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो योजक शब्द कौन से हैं। तो देखो पहले में देखा है बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, तो पहले स्वतंत्र उपवाक्य क्या है यहाँ पर, बादल गरजे, ये पूर्ण हुआ अपने आप में, क्यों, क्योंकि बादल कर बादल भी और क्रिया गरजे, मतलब अपने आप में पूर्ण क्रिया कर, इसने पूर्ण वाक्य बना लिया, बादल गरजे, पहली क्रिया क्या हुई, बादल गरजे, और दूसरी क्रिया क्या हुई, बिजली चमकने लगी, दूसरी क्रिया क्या हुई, बिजली चमकने लगी, मतलब दोनों अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्य हैं, दोनों अपने अपने रूप में स्वतंत्र हैं, कौन है, बादल भी गरजे, ये भी स्वतंत्र है अपने आप में, और बिजली चमकने लगी ये भी अपने आप में स्वतंत्र व पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और शब्द, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात जो जोड़ने का कार्य कर रहा है तो ये क्या हुआ, योजक शब्द, ये क्या बना, योजक शब्द बना ना, ये योजक शब्द है, तो बादल गरजे और बिजली चमकने लगती, ठीक है ना, अर्थात इसका क्या हो गया, बादल गरजते ही, अगर मैं इसको सरल वाक्य में तब्दील करूं तो क्या होगा, इसका बादल गरजते ही बिजली चमकने लगी, ये लो बादल मतलब गरजते ही बिजली चमकने लगी, क्या क्यों हुआ, देखो इसको सोचो, अगर मैंने पहले बोला बादल गरजते ही बिजली चमकने लगी, आप इस बात को गैस करना यहाँ पर कि बादल चमकते ही बिजली गरजने लगी, तो यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया हुई है, क्या, बिजली चमकने लगी, गरजते ही, यह अपने आप में
क्रिया तो है लेकिन पूर्वकालिक क्रिया लेकिन अपूर्ण है। सरल वाक्य की बात कर रहा हूं, अगर इसे हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो पहली क्रिया क्या हुई, गर्जना, फिर दूसरी क्रिया क्या है, चमकना। तो भाई गरजने वाली जो क्रिया है पहली क्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा ना, तो क्या लिखोगे, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, ये बनेगा संयुक्त वाक्य। यहां पर भी संयुक्त वाक्य बन जाएगा, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। अब हुआ, और इसको हम अगर सरल वाक्य करेंगे तो बादल गरजते ही बिजली चमकने लगी, बादल गरजते ही बिजली चमकने लगी, यहां पे हुआ, इसका सरल वाक्य भी बन गया, ठीक है। और जब बादल गरजते ही बिजली चमकने लगी, क्या यहां पर योजक शब्द है, नहीं है ना, बादल चमकते ही, बादल गरजते ही, तो ये पूर्ण अपूर्ण क्रिया हो रही है यहां पर, पूर्ण क्रिया नहीं है यहां पर। बादल, अगर मैं इतना ही वर्ड बोलूं, इतना ही सेंटेंस बोलूं, बादल गरजते ही, क्या ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हुआ, नहीं हुआ ना। और इसको पूर्ण करने, ये अपने आप में पूर्ण नहीं हुआ, तो इसको पूर्ण करने के लिए हमें संयुक्त वाक्य का योजक शब्द लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर बादल गरजते ही, अगर मैं यूं बोलूं बादल गरजने लगे, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वाक्य पूरा है, सार्थक है, व्यवस्थित है और अर्थ को ग्रहण करने वाला है, ठीक है। तो बादल गरजते, बादल गरजने, गरजे और बिजली चमकने लगी, ये हुआ संयुक्त वाक्य। और आ गए यहां पर दूसरे वाले में, देख लो, सोचना है आपको, गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। पहली बात, यहां से गंगा तट पर नहा लेना, यहां से लेकर यहां तक, ये अपने आप में पूर्ण भी है और व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है, ठीक है। पूर्ण व्यवस्थित भी है और अर्थ को ग्रहण भी कर रहा है, अर्थ को ग्रहण भी कर रहा है। कैसे, गंगा तट पर नहा लेना, ये अपने आप में सार्थक हुआ, पहली क्रिया हुई, पहली स्वतंत्र वाक्य बनाइए, उपवाक्य, पहला पूर्ण स्वतंत्र उपवाक्य क्या बना बच्चों, गंगा तट पर नहा लेना। अब दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य क्या है, मुंह धो लेना। दूसरा क्या है, मुंह धो लेना। भाई इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है, कौन सा योजक शब्द कर रहा है, अर्थात वह कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है जो इसको और इसको, नंबर वन और नंबर टू, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वो है या। वो क्या है, या। गंगा तट पर नहा लेना और मुंह धो लेना, ठीक है ना। तो यहां पर इसका बना, गंगा तट पर नहा कर मुंह धो लेना, ऐसे नहीं होना भाई, नहाना ही मुंह धोना ही बराबर, मुंह धो लेना या नहा लेना, ऐसे नहीं होता भाई। अगर इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो गलत बनाना, गंगा तट पर नहाकर मुंह धो लेना, नहीं, ठीक है ना। तो गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना, भाई देखो पहली दोनों में अलग अलग क्रिया हो रही है, मुंह धो लेना नहा लेना दोनों में अलग अलग क्रिया हो रही है, दोनों क्या है, सार्थक भी है पूर्ण भी है, और किसकी सहायता से ये संयुक्त वाक्य बन रही है, या। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। नंबर तीन पे चलते हैं, नंबर एक क्लियर हो गया, नंबर दो क्लियर हो गया, वर्षा होने वाली है, यहाँ पे वर्षा होने वाली है, ये क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, उपवाक्य हुआ, स्वतंत्र उपवाक्य, पहला स्वतंत्र उपवाक्य हुआ जल्दी घर आ जाना, नंबर दो, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य हुआ। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, इसलिए, कौन कौन कर रहा है, इसलिए, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वर्षा होने वाली, इसलिए जल्दी जल्दी घर आ जाना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो यहां पर, कि वर्षा होने वाली, ये पूर्ण हो गया क्योंकि होने वाली है, होना, होना भी क्रिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे है आ गया, ये सहायक क्रिया भी आ गई, ठीक है ना, इसीलिए जल्दी घर आ जाना, ठीक है। मैंने पहले कहा था आपको, सुनना इधर, हर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं होता, इसका मिश्रित वाक्य बन जाएगा, इसका मिश्रित वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों बनेगा, देखो बहुत सिंपल है, मिश्रित वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से मिश्रित और मिश्रित से संयुक्त वाक्य बनाना। देखो जल्दी घर आ जाना क्योंकि वर्षा होने वाली है, जल्दी घर आ जाना। पहले अपने को मिश्रित वाक्य बनाने के लिए पहले किसको लेंगे, इस वाक्य उपवाक्य को ले लो, उधर वाले दूसरे नंबर को पहले में लिख लो, दूसरे नंबर को पहले में लेंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी घर आ जाना क्योंकि वर्षा होने वाली है, मिश्रित वाक्य बन गया ना, यहां पे मिश्रित वाक्य बन जाएगा,
ये जो मैंने बोला है ना जल्दी घर आ जाना क्योंकि वर्षा होने वाली, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। और ये जो छह के छह उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये छह के छह संयुक्त वाक्य ही हैं, ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य को। मैंने बताया था संयुक्त वाक्य की परिभाषा से पता चल रहा है कि यहाँ पे समुच्चय बोधक मतलब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हों, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो 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 समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो अर्थात योजक शब्दों से जुड़े हुए हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ पर सब में देखो नहीं तो ये आ गया, नहीं तो आ गया, यहाँ पर परंतु, यहाँ पर ठीक से अथवा। तो अब इसको समझ लो, कभी भी कर्तव्य अभाव में, मैंने अभी पहले आपको बताया था कर्तव्य अभाव में भी वाक्य बनता है। वाक्य क्यों एक सार्थक और व्यवस्थित वाक्य जब भी होगा जब कर्ता और मुख्य रूप से दो घटक जरूर आए, दो व्याकरणिक घटक जरूर हों, कर्ता और क्रिया जरूर हों। लेकिन हम कभी कभी ऐसे वाक्य भी होते हैं जो कर्ता के अभाव में भी हो जाते हैं। बोलो अर्थात किसको बोलने के लिए कहा गया, आप बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो आपके लिए, या तुम बोलो परंतु कटु सत्य, मतलब बोलो एक तरह से वाक्य हो गया, बोलो एक तरह से वाक्य हो गया ना, किसके लिए बोलने के लिए कह रहा है, तुम या आप शब्द को, या फिर राम तुम बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, राम तुम बोलो। अब यहां पर कर्ता का कर्ता क्या होना चाहिए था, राम तुम बोलो, या फिर तुम बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। किंतु परंतु लेकिन पर मगर ये एक ही बात है, किंतु लेकिन पर मगर, ठीक है ना, ध्यान रखना, लेकिन किंतु परंतु मर मगर पर परंतु ना, परंतु लेकिन किंतु परंतु मगर पर, ये शब्द एक ही हैं, ये एक ही हैं। और तथा एवं ये एक ही बात है, ठीक है, अतः सो इसलिए ये एक ही बात है, नहीं तो मगर, नहीं तो अन्यथा, या ठीक है ना, देखो या अर्थात अथवा ये एक ही है, या अर्थात अथवा ये एक ही है, ठीक है ना। तो ये यहां पे देख लो, अब मैंने तीस से समझा, वर्षा चुपचाप चले जाओ अर्थात किसको कहे गया है, तुम चुपचाप चले जाओ या आप चुपचाप चले जाओ, या फिर राम तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, चुपचाप चले जाओ ये अपने आप में वाक्य की पूर्ति कर रहा है, ये चुपचाप चले जाओ ये अपने आप में वाक्य की पूर्ति कर रहा है, उपवाक्य की पूर्ति कर रहा है, अर्थात ये अपने आप में स्वतंत्र है और पूर्ण है, एक पूरा उपवाक्य बना है। और ये बहुत बुरा होगा भाई, ये भी वाक्य बना, ये भी पूर्ण वाक्य बना, उपवाक्य बना, नंबर एक उपवाक्य, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य, अर्थात नंबर एक स्वतंत्र उपवाक्य, नंबर दो स्वतंत्र उपवाक्य, नहीं तो ये विभिन्न, ये नहीं तो जो है ना, ये नहीं तो क्या है, योजक शब्द, नहीं तो क्या है, योजक शब्द, इसके साथ बना, बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, यहां पर कर्ता के अभाव में आ गया, कटु सत्य न बोलो, ये भी, ये दोनों अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट है, पूर्ण व स्पष्ट है, सार्थक है, व्यवस्थित है, परंतु से जो योजक शब्द है इससे क्या बना, योजक, ठीक है ना, ठीक से खाओ अथवा रहने दो, ठीक से खाओ अथवा रहने दो, ठीक है ना। तो यहां पे ठीक से खाओ रहने दो, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। यहां पे अधिकतर जो है कर्तव्य भाव में, लेकिन गैस करते हैं हम, तुम ठीक से खाओ, आना क्या चाहिए था यहां पर, तुम या आप, या आप, या फिर राम तुम ठीक से खाओ, राम तुम ठीक से खाओ, ये भी आना चाहिए था, होना चाहिए था, कर्तव्य अभाव हो गया। तो बात हुई ये कहने मतलब, अब यहां पे देखते हैं पहचान, संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, योजक शब्द और तथा एवं इसलिए अतः सो नहीं तो अन्यथा वरना या किंतु मगर बल्कि या तो आप चले जाओ या फिर उसे भेज दो, ये भी संयुक्त वाक्य है, या तो आप चले जाओ या फिर उसे भेज दो, या तो या आप चले जाओ या उसे भेज दो, देखो एक मिनट, या तो एक तो ये हो गया, या तो आप चले जाओ या तो उसे भेज दीजिए, एक तो ये, या आप चले जाओ या उसे भेज दीजिए, ठीक है, ना राधा नाचेगी ना, देखो ना, मेरी बात सुनो,
ना मुरली बाजेगी ना राधा नाचेगी, ना मुरली बाजेगी ना राधा नाचेगी। नाना भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, नैने भी हो सकता है, बात एक ही नाना या नैने, ठीक है ना। तो न न न मुरली बजेगी न राधा नाचेगी, ठीक है ना। फलते परिणाम स्वरूप अर्थात पर परंतु लेकिन आदि, ये योजक शब्द याद करने होंगे आपको। और ये योजक शब्द अगर आपने याद कर लिए, और इसके अलावा अगर आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना होगा, या संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना होगा, या मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ इन्हीं के बेस पर, तीन चार उदाहरण लिख देता हूँ जो आप अपने आप समझ जाना। देखो अभी आपको बता देता हूँ मैं, वह कक्षा में उपस्थित नहीं होता था, इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। देखो एक मिनट, वह कक्षा में उपस्थित नहीं होता था, यह पहला उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य स्पष्ट और पूर्ण व्यवस्थित है, अनुत्तीर्ण हो गया ये भी वाक्य है, ये भी उपवाक्य है, ये किससे जुड़ रहे हैं, ये क्या है, अव्यय है, अव्यय है, अर्थात कौन सा अव्यय, समानाधिकरण, या ये ये कौन सा है, ये योजक शब्द है, ये योजक शब्द अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है ना। तो इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना। वह कक्षा में उपस्थित न होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया, इसका सरल वाक्य क्या बन जाएगा, अगर कल परीक्षा में आ जाए, परीक्षा में वो कक्षा में अनुत्तीर्ण, कक्षा में उपस्थित ना होने के कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया, अगर मान लो इसका मैं सरल वाक्य बनाऊं, ये तो क्या बना, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बना। और इसका सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कक्षा में, कक्षा में उपस्थित ना होने के कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया, या इसलिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए यूं जोड़ लो परीक्षा में, और जोड़ सकते हो, जोड़ना चाहो तो देखो, घटक आप चाहो तो कितने भी जोड़ सकते हो, अन्य घटक कितना चाहो, इसलिए वह परीक्षा में, देखो अगर आप अन्य घटक जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, इसलिए वह परीक्षा में, ये लो आ गया। कारण कक्षा में उपस्थित न होने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, ये लो। और आप बताइए मुझे, आप सोचिए, कक्षा में उपस्थित न होने के कारण, क्या ये यहां तक वाक्य पूरा है, क्या नहीं है ना, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, ये क्या हो गया, कर्ता, और ये हो गया अनुत्तीर्ण होना, ये क्रिया हो गया अनुत्तीर्ण होना, उत्तीर्ण होना ये क्रिया है। तो मेरी बात सुनो, उससे पहले कर्ता का विस्तार करने वाले, मैंने आपको पहले बोला था, कर्ता का विस्तार करने वाले शब्द, कर्ता का विस्तार करने वाले और अर्थात उद्देश्य का विस्तार करने वाले, मैंने पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, और विधेय का विस्तार करने वाले, तो ये अपने आप आ गया। तो भाई सिंपल सी बात है, वह कक्षा में उपस्थित न होने के कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप वह को कर्ता को पहले जोड़ दो, वह परीक्षा में उपस्थित न होने के कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अगर आप परीक्षा में भी हटाना चाहो, ये लो, कक्षा में उपस्थित न होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया, आप पहले भी जोड़ सकते हो, या अगर वह अगर नहीं तो वह कक्षा में उपस्थित न होने के कारण, वह आप यहां भी लगा सकते हो, वह यहां पे भी कर दो, वह कक्षा में उपस्थित न होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना। अगर वह यहां नहीं लगाओ तो वह यहां पे भी लगा सकते हो, ये लो।
कक्षा में उपस्थित न होने के कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया, बातें किए, ठीक है ना। तो किसी किसी संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य बन जाएगा और अधिकतर सरल वाक्य का, अधिकतर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनता है और मिश्रित वाक्य भी बनता है, मिश्रित वाक्य भी बनता है, लेकिन कोई कोई सरल वाक्य का या किसी किसी संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य नहीं भी बनता, ठीक है ना। तो दूसरा उदाहरण लिए हम, एक लास्ट उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद अपन ये भी आज का जो लेक्चर है वो पूर्ण हो जाएगा। अगले लेक्चर में मिश्रित वाक्य लेके आएंगे। मैंने उसे कल खेल मैदान में दौड़ते हुए देखा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये मैंने लिखा, तो भाई यहाँ पे ये सरल वाक्य है, मैंने उसे कल खेल मैदान में दौड़ते हुए देखा। अब गैस करें तो संयुक्त वाक्य बन भी सकता है, नहीं तो इसका मिश्रित वाक्य बन जाएगा। तो हर सरल वाक्य का मिश्रित संयुक्त वाक्य नहीं बनता। मैंने उसे कल देखा जो, मैंने उसे कल देखा जो मैदान में दौड़ रहा था, मैंने उसे देखा जो कल खेल मैदान में दौड़ रहा था, ये भी हो जाएगा। मैंने उसे देखा, उसे मैंने देखा, मैंने उसे देखा जो कल मैदान में, जो कल खेल मैदान में दौड़ रहा था, या मैंने कल उसे देखा जो खेल मैदान में दौड़ रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो वाला जो लिया है ये तो मिश्रित वाक्य बन जाएगा। तो मैं अभी इसको, ये दूसरा उदाहरण इसलिए लिया है मैंने कि हर किसी का संयुक्त वाक्य नहीं बन सकता, हर सरल वाक्य का नहीं बन सकता, इसका मिश्रित वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मिश्रित वाक्य बनाना तो ये मैंने अभी बता दिया, नंबर तीन और ले लेते हैं। ये तो क्या, इसका क्या बनेगा, इसका मिश्रित वाक्य बनेगा, इसका मिश्रित या मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर दस, हमें मारने लगे, पीटने लगे, हमें पीटने लगे। अध्यापक कक्षा में आकर, अध्यापक जी, जी लगा लो, चलो अध्यापक जी कक्षा में आकर हमें पीटने लगे। अध्यापक जी कक्षा में आए, इसका पहले लो, ठीक है ना। ये क्या है, ये सरल वाक्य है, ये क्या है बच्चों, सरल वाक्य। अब इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। अध्यापक जी पहले कहाँ आए, अध्यापक जी, ठीक है ना, कक्षा में आए, अध्यापक जी कक्षा, कक्षा में आए, और हमें पीटने, और हमें पीटने लगे। ये बन गया इसका, ये क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया, ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए संयुक्त वाक्य की जानकारी, योजक शब्दों से जुड़ाव, जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो योजक शब्द भी मैंने आपको बताए, समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम आपके सामने नंबर तीन टॉपिक जो है मिश्रित वाक्य वो लेके आएंगे, और उसके आगे वीडियो में, अगले आगे वीडियो में हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, या सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, ये अभ्यास क्रम लेके आएंगे। धन्यवाद।